झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी को बयानवीर करार दिया है। दरअसल पार्टी की ओर से भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देखते हुए कांग्रेस कहीं न कहीं अपनी ज़मीन को और विस्तार देने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच बीजेपी की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। इसके जवाब में कांग्रेस ने भी स्टैंड लिया है और बीजेपी को बयानवीर करार दिया है। आज पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने ओबीसी आरक्षण के बिना नगर निकाय के चुनाव को भी जायज ठहराया और बताया कि चूंकि ओबीसी आरक्षण को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा समय लग सकता है, लिहाजा कैबिनेट ने यह डिसीजन लिया है कि फिलहाल फिलवक्त ओबीसी आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। और क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले आप सुनिए। देखिए, हम ये समझते हैं कि भारत जोड़ो की यात्रा की जो सफलता है वो कहीं ना कहीं लोगों के पेट में दर्द और घुटने में दर्द हो रही है, और जिस तरह से यात्रा की सफलता दिखाई दे रही है, निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या प्रदेश स्तर पर जिस तरह का जनसैलाब उमड़ रहा है, उससे निश्चित रूप से इस तरह की प्रतिक्रिया आएगी। और उनकी प्रतिक्रिया को जब कोई जनता महत्व नहीं देती है तो हमें बहुत महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। बयानवीर लोग हैं, मैदान में कहीं नहीं हैं, सड़क पर उतरना नहीं जानते हैं, तो निश्चित रूप से जब लोग सड़क पर उतरते हैं तो उनके पेट और घुटने में दर्द होता है। उस पर उस उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। ओबीसी आरक्षण को लेकर आप लोगों ने बड़ी आंदोलन किया था, लेकिन कल जो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है कि जो निकाय के चुनाव होंगे वो बिना ओबीसी आरक्षण के राज्य में होंगे। देखिए, निकाय चुनाव कोरोना की वजह से बहुत दिनों से रुके हुए हैं। लोगों की लगातार डिमांड रहती है कि चुनाव जो है जल्द से जल्द कराया जाए। पंचायत चुनाव में भी यही लोगों का मानना था, और उस हिसाब से पंचायत चुनाव भी बगैर ओबीसी आरक्षण के हुए थे। और चूंकि ओबीसी आरक्षण लागू होने में थोड़ा वक्त और लग सकता है, इस वजह से चुनाव को टाला जाना ठीक नहीं होगा। तो इस समझ के साथ सरकार ने कैबिनेट में ये फैसला लिया है। हम समझते हैं कि आज के समय में जितने लोग उसमें भागीदारी ले सकते हैं लेंगे, आने वाले समय में जब आरक्षण की व्यवस्था पूरी तरह से लागू हो जाएगी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। पद्धति से जब चुनाव होते हैं तो निश्चित रूप से सभी उम्मीदवार सभी अपने मतदाता को संपर्क करते हैं। उस निमित्त दोनों उम्मीदवार आदरणीय खड़गे साहब और आदरणीय शशि थरूर जी, दोनों लोग अपने अपने मतदाताओं से अपनी बात कह रहे हैं, और हम समझते हैं चुनाव जो है फेयर तरीके से होना है तो सभी लोगों को अपनी अपनी बात कहनी चाहिए, और कौन कांग्रेस को किस तरह से आगे बढ़ाने का काम करेंगे वो लोग अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। चुनाव होगा, सभी मतदाता उसमें भाग लेंगे। 17 तारीख को चुनाव है और सभी लोगों से आग्रह किया गया है कि सब लोग यहाँ चुनाव में प्रक्रिया में भाग लेंगे। अब आने वाला समय बताएगा कि किसकी बात मतदाताओं को पसंद आई है, और जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस में लोकतंत्र है वो सच्ची बात साबित होगी। तो झारखंड प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चूंकि झारखंड की जनता ने बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया है, लिहाजा उनके पास आरोप लगाने के सिवाय और कुछ नहीं बचा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में इंटरनल लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देखने को मिल रहा है, जब पूरे तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव सम्पन्न कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस में इंटरनल लोकतंत्र नहीं है या लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, उनको बेहतर जवाब मिला है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि चूंकि ओबीसी आरक्षण को इंप्लीमेंट करने में देरी हो रही है, लिहाजा सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए नगर निकाय चुनाव में फिलहाल ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं करने की बात कही है। हालांकि इसे हर हाल में इंप्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन फिलवक्त चुनाव कराना सबसे बड़ी बात है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा से पूरे में एक ऊर्जा का संचार हुआ है और कांग्रेस के फेवर में कहीं ना कहीं यह माहौल बना है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट में नजर आ रही है। यही वजह है कि पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रही है। तो फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी कुणाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।